इंदौर जिले के प्रशासनिक संकुल में होने वाली जन सुनवाई में जितने लोग यहां आकर अपनी शिकायत दर्ज करवाते हैं, करीब उतनी ही संख्या में ऐसे लोग भी होते हैं जो अभाव के चलते बिना शिकायत के ही खाली हाथ लौट जाते हैं। ऐसे में इन लोगों की जन सुनवाई कौन करेगा, यह सवाल केवल सवाल बनकर रह जाता है। संकुल में जन सुनवाई हुई, कुछ शिकायतें सुनी गई और बाद में ये लोग केवल परेशान होते रहे। अपने पोते के एडमिशन के लिए आई दादी परेशान होती नजर आई, जिन्हें उनके सवाल का जवाब देने वाला कोई नहीं था। इसी तरह अपने लिए आर्थिक मदद की मांग लेकर आई महिला जन सुनवाई खत्म होने के बाद तक सरकारी कागज तलाशती रही। इनके कलेक्टर से बोलूंगी, इनकी मेरा कुछ गरीबी रेखा का कूपन भी नहीं है, ना मेरी मजदूर डायरी है और ना तो मेरे पास वो पेंशन डायरी है, कुछ भी नहीं है। अब मदद के लिए नहीं मिल पाई मदद। इसी तरह अब तक 2000 से अधिक और 42 प्रकार के पौधे लगाकर अपना जीवन चला रहे एक बुजुर्ग को कोई यह नहीं बता पाया कि उनके खराब हुए पौधों का मुआवजा कौन और कैसे देगा। जल सुनवाई में जो आए सब बाढ़ आई थी, बाढ़ में हमारा नुकसान हो गया, 15-20 हजार का नुकसान है, वैसे कुल मिला के 50 हजार का हमने वो उसका गणित बनाया। तो उसके लिए आज सुधा 2 बार आ गए लेकिन सुनता नहीं। पटवारी बोलता कि बिना फीस के तो कोई तेरा काम होगा नहीं, घुमा कर कहाँ भी रिपोर्ट देगा तू, भले मुख्यमंत्री को रिपोर्ट तो हमारे पास है, जो लिखना होगा वो लिखेंगे, हम मर्जी के मालिक, तेरे मालिक थोड़ी। जन सुनवाई में देपालपुर से कुछ महिलाएं भी पहुंची। उनकी मांग थी कि अधिकारी उनके आवास संबंधी परेशानी को दूर करे। मकान नहीं है, किस भाई का पास में रहने की बिल्कुल जगह नहीं है, मकान है टूटी झोंपड़ी है, चादर बारिश आता चादर उड़ जाता है, कोई बच्चा बच्ची की लगी जाती है, ये बहुत हमारी समस्या है और 70 परिवार से दुखी है, हम 70 लेडीज ही है। इस तरह अनेक लोग अपनी अपनी परेशानियां लेकर जन सुनवाई में पहुंचे लेकिन जिम्मेदारों तक अपना आवेदन नहीं पहुंचा सके। कलेक्टर कार्यालय में पहुंचने वाले इन आवेदकों की समस्या अब भगवान के ही भरोसे है। ब्यूरो रिपोर्ट, टैलेंटेड इंडिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।